food? Food journey we had. First of all, apart from creative, I guess you are like, I guess Sir Jatee ji and Satish ji were playing role, I guess. Yeah, so how was their experience as well? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया था, ऑसम था एक्चुअली. मेरा यहाँ इस मूवी में आने का मतलब एक मकसद कुछ और था. तो ये वेब सीरीज कर रहे थे, तो जब उन्होंने मुझे बुलाया कि वेब सीरीज करनी है, मैं ऐसे भी इंसान आ भी गया, तो इन्होंने प्लान करा एक मूवी बना रहा हूँ. तो बहुत सालों से उनके साथ काम करें, इज अ वेरी गुड कैरेक्टर. तो जब इन्होंने बताया कि मूवी कर रही है, तो स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, हम मूवी कर रहे हैं, तो एक एज अ प्रोड्यूसर बहुत डर लग रहा है, थोड़ा डर लगता है कि हम सब क्या होगा. तो आप देख रहे हो कि तो ये सब शाहिद का काम है. तो यू आर लाइक एक्शन एंड मैन, यू आर जस्ट डूइंग ग्रेट आउट देयर. सो या, बट देन आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन थिंग, दैट लाइक व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ इट प्लेइंग दैट रोल. चैलेंजेस तो हमेशा से रहते ही हैं. जब हम शूट करते हैं, ये स्टोरी जब मुझे शाहिद ने लिखी थी, तो उसके माइंड में क्या चल रहा था हमको नहीं पता था. ये पहली एक फिल्म होगी जिसकी स्क्रिप्ट भी नहीं है, और हम लोगों को व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग आती थी, लाइक दिस इज द सीन, दिस इज द डायलॉग्स, 5 मिनट पहले हम लोग कर रहे थे. तो शाहिद पे बिलीव था, हमेशा से रहा है, और उसने जब स्टोरी बताई थी तो मुझे बहुत इंटरेस्ट उसको दिया, क्योंकि इससे पहले मैंने कितने फिल्म किए हैं, कितने अलग अलग जॉनर के फिल्म, बट ये मेरे लिए अलग था, क्योंकि इसको थोड़ा हमने साउथ का टच देते हुए पुट ऑन एक्शन, रोमांस, थ्रिलर, सब कुछ एक बॉलीवुड पैकेज मूवी जो है. Shahid is my favorite director, I can say. I worked with him earlier also, one project which is soon coming out, yeah. Ishwala Love. Usme mera experience inke sath bahut acha raha, and main immediately inki kaam ki fan ban gayi thi. Aur phir jab inhone next movie ke liye mujhe approach kiya, tab script nahi. Again, maine kaha Shahid script nahi, script kab aa rahi hai? Maine, we are following up, script kab aa rahi hai, kab aa rahi hai? He's like, don't worry, you trust me, don't worry. Hum gaye. पहला सीन आता है व्हाट्सएप पे सुबह डायलॉग्स. आई वाज लाइक दिस पे आर वी शूटिंग, मतलब वो मेरे लिए बहुत नया था ऐसा करना, बट मुझे ये ट्रस्ट था कि ये जो भी बनाएंगे ये कुछ कमाल ही बनाएंगे. सो यस, आई इमीडिएटली जस्ट यू नो सेड इट. आई गेस दिस इज द यूएसपी ऑफ दिस मूवी, दैट देयर वाज नथिंग, नॉट स्क्रिप्ट, नथिंग, यू नो, नथिंग वाज रिटन, दैट वाज वेरी इम्प्रॉम्प्टू, एज यू जस्ट टोल्ड अस राइट नाउ, लाइक यू गाइस टोल्ड अस. So I guess this will make the movie. He used to create scenes at night in his mind and tell us in the morning. But then if this is the output, then it's great, I guess. Because yeah. I guess he's just doing equally justice with it. So yeah. I'll just turn the table on the media right there. So you guys have any questions for these guys? Kaise piracy kaise hoti thi? और वो पायरेसी का आइडिया इतना अच्छा लगा, तो मुझे लगा यार उसको एग्जीक्यूट तो करना है, बट उसको भी अपने जम्मू कश्मीर के अंदर ऐड करके कैसे किया जाए. फिर हमारे साथ एक और सुरजीत चौधरी जो हमारे प्रोड्यूसर रहे, उनसे मैंने बोला कि आप अपने बचपन का कुछ बताओ, क्योंकि उनका बचपन 1890s के आसपास का रहा हो. तो उन्होंने बोला कि हम बॉर्डर के उस पार जाते थे और हम फ्रूट्स एक्सचेंज करते थे, उस टाइम इतना स्ट्रिक्ट नहीं था बॉर्डर, हम एक साथ एक नदी में नहाते थे. और तो मेरे माइंड में वो आइडिया आ गया कि वो जो उस पार जाने का जो प्यार था फ्रूट्स एक्सचेंज करना, वही व्यापार बन जाता है. वो बड़े होके वही कैसेट्स लेकर जाना और कैसेट्स एक्सचेंज करना, एंड देन फिर वो बिजनेस बन जाता है, कैसे फिल्म पायरेसी स्टार्ट होती है, जो वो सारी डिटेलिंग फिल्म करेगा. तो वो वहाँ से आइडिया आया, और अब स्क्रिप्ट नहीं थी तो सबने ट्रस्ट किया. थैंक यू सो मच. सारा ने मुझे पूछा था कि स्क्रिप्ट, तो मैंने कहा था स्क्रिप्ट है ही नहीं है, तो बस आप आओ. और हम खुद कंफ्यूज थे, 4.5 घंटे की फिल्म बनी फाइनली, जिसको हमने काट के 3 घंटे किया. और एक्शन इस फिल्म में बहुत कमाल का, शायद ये करवाया है, मतलब
कश्मीर, सबको कश्मीर ज्यादा पता है, तो जम्मू बहुत ज्यादा पंजाब है बेसिकली, तो पंजाब जैसा है कल्चर वहाँ पे, और वो गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, तो इसको काला करने में बहुत मेहनत लगी उस एरिया में, हमें वैसा मेकअप ही नहीं मिल रहा था, तो हम शूट तो कर लिया, फिर लगा यार माँ से ज्यादा बेटा काला लग रहा है, तो बाप कहाँ से ढूंढे वैसे, तो फाइनली वो सीन्स रीशूट हुए मुंबई से, फिर मंगवाया गया सब कुछ, हमारे लिए वहाँ बड़ा मुश्किल था, वहाँ पे मतलब बहुत लंबा ट्रैवल था, यहाँ से आप बायर जाते हो फिर पूरा दिन एक ट्रैवल करते हो, कहना चाहेंगे आज कितने एक्साइटेड हैं ट्रेलर लॉन्च हुआ? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिल्म है हमारी पूरी टीम के लिए, क्योंकि इससे इसकी मेकिंग पे एक और फिल्म बनेगी, बन सकती है, बिकॉज सबसे एक बड़ा एक्सपीरियंस जो इसका रहा है, शुरुआत में क्या होता है कि हमारे डायरेक्टर साहब थोड़ा साहब टहलने जाते थे और वहाँ से सीन लेके आते थे, सो दिस वाज द प्रोसेस फॉर द एंटायर फिल्म, और ये मतलब वन ऑफ माय आई मस्ट से इट्स वन ऑफ माय बेस्ट फिल्म्स आई हैव बीन पार्ट ऑफ, एंड जिन रिसोर्स जितने लिमिटेड रिसोर्स थे उसमें ये बनना इज़ इट्सेल्फ अ मिरेकल, एक इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं आई एम पार्ट ऑफ द फिल्म, इसलिए कह रहा हूँ कि बिकॉज आई हैव सीन फिल्म्स बीइंग मेड, और बड़े प्रोजेक्ट्स की बड़े बजट की फिल्में भी बनती हैं, आउटकम इससे हाफ भी नहीं होता, एंड ये मैं आप ट्रेलर जिसने भी देखा है दे कैन एक्चुअली सी दैट, और जिस टाइप पे एक्शन इसमें हुआ है विदाउट एनी हार्नेस, विदाउट स्टंट डायरेक्टर्स, विदाउट प्रोडक्शंस, विदाउट सेफ्टी, इट्स ऑल अबाउट जितनी भी प्रैक्टिस की गई है, एक्सरसाइज की गई है, हैज डन अ ग्रेट जॉब इन द सेम, शांकी वाज देयर, अर्जुन रे, सब ने मेहनत की, और इनफैक्ट द लोकल बॉयज़ फ्रॉम भदरवा, दैट्स अ स्मॉल हिल स्टेशन इन जे एंड के, उन्होंने भी कमाल का काम किया है, सिर्फ मार खाई है बट कमाल की मार खाई है, तो विच इज़ इट्स वो भी आसान नहीं है, और आई 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 वुड से कि जितने भी लोग हैं, माउथ पब्लिसिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा काम करती है, बिकॉज नो रिव्यूज़ कौन क्या दे, कौन क्या बात में बोले, बट दी आई वुड सजेस्ट कि जितने भी लोग हैं जिसकी भी थोड़ी सी कैपेसिटी है, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, जस्ट स्प्रेड द वर्ड, बिकॉज इट्स गुड फॉर इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स, और इसको देख के बहुत सारे लोग शायद इंस्पायर हों, एंड दे स्टार्ट टेकिंग चांसेज एक्चुअली, क्योंकि इसमें ये होता है कि पहले हम रिकवरी का सोचते हैं, यार ये फार्मूला है, फार्मूला को फॉलो करते हैं, इट हैज़ नो फार्मूला, मे बी वी कैन से वी आर इंस्पायर्ड, अरे भाई इधर भी है, वी आर इंस्पायर्ड फ्रॉम कहीं ना कहीं इट्स लिटिल बिट यू नो यू विल सी सम ऑफ पुष्पा इन इट, और कश्मीरी पुष्पा देखने को मिलेगी आपको, तो बड़ी कमाल की फिल्म है, एंड आई वुड सजेस्ट कि आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्प्रेड द वर्ड एंड से गुड थिंग्स अबाउट फिल्म, आई एम श्योर कि हम जब स्क्रीन रखेंगे उसके बाद आप देखने के बाद आप भी यही बोलेंगे। सर आप बताइए कितने एक्साइटेड हैं? जैसे कि आपने देखा ट्रेलर या जैसे कि आपने ट्रेलर को देखा कि ट्रेलर में बहुत सारे एक्शन है, ड्रामा है, थ्रिलर है, और साथ ही साथ डायरेक्टर के साथ भी काम करने को बहुत मज़ा आया था, लाइक डायरेक्टर का ये विदाउट एनी स्क्रिप्ट, जैसे कि सर ने कहा कि कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं थी, कि 5 मिनट से पहले हमको एक रिकॉर्डिंग आता था एंड उसको देख के हम अपना सीन क्रिएट करते थे, एंड शाहिद ने भी बहुत हेल्प की हमारी सेम फेज पे, कि वो बताता था हमको कि ये सिचुएशन रहेगी, ऐसा रहेगा, सटल रहना, ज़्यादा ओवर करने की कोशिश नहीं करना, तो उनकी तरफ से भी बहुत हेल्पफुल रही, एंड ऑफकोर्स हमारे सीनियर एक्टर्स वगैरह वीना जी, मीत सर, शैंकी स्पेशली, कि विदाउट एनी हार्नेस, विदाउट एनी केबल, विदाउट एनी ग्रीन, किसी के ग्रीन कपड़े की वजह, लाइक विदाउट किसी भी क्रोमा वगैरह, किसी की विदाउट किसी की यूज़ के हमने वो स्टंट्स वगैरह किए, तो आप जितने भी स्टंट्स वगैरह देख रहे हैं वो सब रियल है, विदाउट एनी केबल, विदाउट एनी हार्नेस, एंड बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। विदाउट स्क्रिप्ट कितना, मतलब आपने वो कैसे तैयार करते थे कि ये मतलब होता है, इसका सबसे पहले सवाल ये होता है कि डायरेक्टर साहब का विजन, और उसको यू जस्ट हैव टू ब्लाइंडली बिलीव इन हिम, हिज व्हाट यू कॉल इट इज विजन, एंड आस्क व्हाट एक्चुअली यू आर लुकिंग फॉर, तो वो सबसे पहले आंसर यही होता है, उसके बाद सबका अपना नजरिया, उन्होंने वैसा रखा है पहले से हमारे साथ, वैसे रहेंगे फ्रेंडली नेचर से, तो हम उनको उनके पास जाते थे, उनसे पूछते थे कि लाइक ये आपने डायलॉग भेजा है, तो हम अगर अपने से थोड़ा बहुत ऐड ऑन करना चाहते कर सकते, तो हम बोलते हैं अगर आप ऐड ऑन कर सकते हो तो कर लो, और वो अगर अच्छा भी लग रहा है स्क्रीन पर तो यू गो फॉर इट, तो उनकी तरफ से भी बहुत अच्छा कम्प्रोमाइज रहा है, वंडरफुल एक्सपेरिमेंट। सर आप बताइए, आप काफ़ी माइंड ब्लोइंग आपका एक्शन लगा, कितने एक्साइटेड है इस पिक्चर के लिए? इसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये ना मेरा पहला प्रोजेक्ट है,
और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ शाहिद सर के लिए, उन्होंने मतलब मुझमें बिलीव दिखाया। एक्चुअली मेरे को एज अ कोरियोग्राफर फर्स्ट रखा गया था, लेकिन डोंट नो उनके दिमाग में क्या आया, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा कैरेक्टर भी दिया। सो हमने ट्राई किया कि ऑलमोस्ट जितना एक्शन हो सके सारा रॉ दिखे, नो केबल्स, नो हार्नेस, नथिंग एल्स वी यूज, वी जस्ट पुट इट ड्रॉ द बैकग्राउंड आर्टिस्ट इन भदरवा द स्मॉल टाउन, दे रियली डिड वेल। एक्चुअली आई जस्ट ट्रेन देम फॉर लाइक 10 or 12 days, और उन्होंने जो एक्शन जो रिएक्शन दिया है ना, एक्चुअली जो एक्शन कब अच्छा लगता है, जब रिएक्शन अच्छा आता है, लोग जब मार अच्छा खाते हैं तब वो स्क्रीन पर अच्छा दिखता है। तो जो उन्होंने दिया है ना, शाहरुख खान का डर में मार खाना, राइट सर ने बहुत सही बताया, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। होपफुली आपको जब पूरी मूवी देखने को मिलेगी तो आप समझेंगे कि कैसा एक्शन हुआ। कितना चैलेंजिंग रहा विदाउट स्क्रिप्ट, और आपको दिमाग में स्टोरी भी नहीं रही होगी? एक्चुअली चैलेंजिंग तो बहुत था एक्शन के बारे में ज़्यादा। सर मेरे को सुबह आके बोलते हैं कि हम अभी 2 घंटे बाद पानी में एक्शन करने वाले हैं। सो नो कोरियोग्राफी, नथिंग एल्स, पानी में एक्शन करना, वो भी कश्मीर और जम्मू के पानी में, लाइक माइनस में होता है वहाँ पर टेम्परेचर, और पूरे दिन हमको पानी में रहना रहता था, तो हम सुन हो जाते थे सब कुछ। तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, लेकिन उसका आउटकम बहुत अच्छा निकल के आया। होपफुली आप देखेंगे तो आप उसकी कंसिडर करेंगे। एक्शन आपका काफ़ी कमाल का लग रहा है, विद्युत जैसा, मतलब बोलते हैं ना फर्स्ट टाइम, मतलब कितना, मतलब थैंक यू। विद्युत जैसा तो नहीं, लेकिन शेंकी जैसा एक्शन जरूर लगेगा जब आप जाके उसको देखेंगे, तो आपको लिटिल अलग लगेगा क्योंकि वो मेरा स्टाइल है। तो हाँ, एक्शन आपको बेशक बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। सर आप बताइए किस तरह की कहानी है, मतलब स्टोरी फिल्म ऊपर समझ में आ गया? स्टोरी फिल्म पायरेसी के ऊपर है, क्योंकि 1990 में जो फिल्म पायरेसी होती थी कि लाइक इंडिया टू पाकिस्तान से जो मूवीज़ वहाँ दी जाती थी, और वहाँ से मूवी यहाँ पर आती थी, यहाँ से कैसेट्स जाती थी वहाँ पर सॉन्ग्स के, और वहाँ से यहाँ आती थी, तो वो भी विदाउट नोइंग एनीथिंग, लाइक आर्मी की एब्सेंस में, सब के एब्सेंस में वो सब होता था। तो या उसके ऊपर है फिल्म पायरेसी के ऊपर, और उसके बीच में पॉलिटिक्स, जैसे कि जो शादाब जी हैं, जिन्होंने मेरे फादर साहब का कैरेक्टर प्ले किया है, वो अच्छे पॉलिटिक्स हैं, बट साइड बाई साइड उनका एक बैड कैरेक्टर भी है, कि उन्होंने यू कैन सी इन द मूवी, लाइक वो अभी रिव्यू नहीं करना चाहिए, यू कैन सी इन द मूवी। तो बहुत ही अच्छा ड्रामा, बहुत कमाल का परफॉर्मेंस है उनका भी, एक्शन के हिसाब से भी एक्शन तो उनका है। और उनका सवाल मैम, द एरा ऑफ यू क्या, मतलब कहाँ से दिमाग में जाएंगे कॉन्सेप्ट, ये टाइटल ही बड़ा यूनिक है अपने आप में, बताइए कुछ इसके बारे में क्या है? अच्छा, एरा ऑफ 1990, ये टाइटल और ये यूनिकनेस के बारे में तो आपको डायरेक्टर जी ही बताएंगे, क्योंकि अब तक आपने ये बहुत बार सुना है कि स्क्रिप्ट नहीं था, सारी जो कहानी थी वो डायरेक्टर के माइंड में थी, और हमको प्रीवियस डे या उसी दिन सेट पे मिलता था सीन और डायलॉग्स। बट मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि मैं हमेशा बैक स्टोरी पे काम करती हूँ, तो इसलिए काफ़ी सारा डिस्कशंस डायरेक्टर के साथ हुआ, शाहिद के साथ हुआ, और एक ख़ास बात उनकी ये है कि वो हर एक क्वेश्चन का जवाब देते हैं, एंड ही एनकरेजेस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। तो और उसकी वजह से ये होता है कि हम जब एक्ट करते हैं, इवन दो स्क्रिप्ट नहीं है, हमने बहुत महीने नहीं लगाए हैं कैरेक्टर वर्क पे, तो अगर हमको सेट पे जाके वो कैरेक्टर अपने अंदर लाना है, तो वो बहुत ज़रूरी होती है कि यू क्लैरिफाई एवरीथिंग विद द डायरेक्टर, एंड अगर डायरेक्टर वो क्लियर नहीं है अपने दिमाग में, तो वो पास ऑन नहीं कर सकता एक्टर पे। तो वो इतना, या सो ही वॉज सो क्लियर, अगर वो लाइन भी दे रहे हैं तो मैं पूछ रही हूँ क्यों बोल रही हूँ मैं ये, क्योंकि मुझे पता नहीं आगे क्या पीछे क्या, बट उनको पता है, वो मुझे वो इंटेंशन देते हैं, वो मोटिव देते हैं, ऐसे कैरेक्टर मैं क्यों बोल रही हूँ, ये किसके साथ बोल रही हूँ। तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है, तो मैं, मुझे विदाउट स्क्रिप्ट भी कभी ऐसे लगा नहीं कि मैं कुछ लैक कर रही हूँ एज एन एक्टर, तो माय एक्सपीरियंस एज एन एक्टर वाज रियली गुड। सर आपको कैसे, मतलब चयन किया गया स्टार, आपको मतलब ये दिमाग में स्टोरी, मतलब ये करेक्टर जो चयन किया गया, कैसे आई स्क्रिप्ट आपके ऊपर, आपने बोला हाँ यस? बेसिकली क्या होता है कि अपनी एक ऐसी टीम है, हम वी आर अ ग्रुप ऑफ, वी आर फ्रेंड्स, वी आर फैमिली, वी आर फिल्म मेकर्स, और हम एक दूसरे कहीं ना कहीं देखते हैं कि लाइक दाएं बाएं जब स्क्रिप्ट लिखी जाती है तो उस वक्त कोई किरदार किसी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर ही लिखी जाती है, और ऐसा कई बार होता है कि यार यहाँ पर मीना जी फिट हो रही हैं, यार ये फिट हो रहा है, यहाँ पे एक्शन है, यहाँ पर मीर सरवर साहब फिट होंगे, और इसी हिसाब से जब हमारे, हमको भी हम सवाल नहीं करते आपस में, वी नो कि जब भी हम कुछ करेंगे और एक दूसरे को बुलाएंगे तो उसकी हमें
इतनी हमें आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है, एक फेथ है कि हम बिना स्क्रिप्ट पढ़े, बिना डिस्कशन किए पहुंच जाते हैं। और दैट हैज़ बीन द केस विद राहत भाई, के बड़े भाई हैं शोएब भाई जो वहीं बैठे हैं, और शाहिद, वी हैव मेड, वी हैव बीन पार्ट ऑफ सो मेनी फिल्म्स, जबल जी भी यहाँ बैठे हैं, ये भी हमारे प्रोड्यूसर हैं। तो यही है कि लेकिन यहाँ पे हम सवाल करेक्टर के बारे में नहीं करते कि लेकिन वी नो व्हाटएवर इज बीइंग ऑफर्ड टू अस इज़ गुड, आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी गुड। और इसमें एक अपना एक ग्राफ रहेगा और हर इंसान की अपनी एक कैपेसिटी रहती है करेक्टर के लिए, और इंसान को ये अच्छा लगता है कि लेकिन टू शो योर वर्सटैलिटी एज एन एक्टर, और ये मौका मिल रहा है और इंशाल्लाह अभी मिलता रहेगा और हम अच्छी अच्छी फिल्में दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। आप बताइए आपका मतलब कैसे रिएक्शन क्या था जब जैसे जैसे हम शूट करने लगे थे तो चैलेंजेस तो सामने आए थे, लेकिन अच्छा लगा पूरा प्रोजेक्ट जब निकल के आया तो एक दिल में खुशी हुई कि हाँ कुछ हमने क्रिएट किया जो लोग देख सकते हैं, जो लोग एंजॉय कर सकते हैं, तो उस चीज़ की बहुत खुशी है। काफ़ी रियल लोकेशन तैयार है पूरा, स्क्रिप्ट भी नहीं तैयार है, कुछ ऐसा इंसिडेंट्स है जो आप शेयर करना चाहते हैं? ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। एक इंसिडेंट है कि हम जब एक्शन शूट कर रहे थे तो व्हाट हैपेंड, अर्जुन इज़ शूटिंग द एक्शन एंड द नाइफ इज़ कम एंड स्ट्रेट सीधे उसके होट पे आके लगता है और यहाँ से उसका पूरा होट फट जाता है, जो मेन हमारा हीरो है अर्जुन। तो दैट वाज रियली टेरिफाइंग, सब लोग डर गए थे एकदम से शूट के बीच में ऐसा हो जाना, लेकिन उसने बहुत अच्छा किया। मतलब मुझे नहीं बिलीव था कि वो इतना अच्छा एक्शन कर पाएगा, सच बोलूँ मैं, लेकिन उसने मेरे उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा एक्शन किया उसमें। आपका कोई एक्सपीरियंस हुआ है? हाँ हुआ है मेरा, और अर्जुन का एक एक्शन सीक्वेंस चल रहा था और एक्शन करते करते अर्जुन लाइक उसने मुझे पुश करना था पीछे के लिए, बट पुश करते करते उसका नोज़ मेरे हेड के साथ पड़ गया, तो आई थिंक मुझे लगा कि इसके आई थिंक नोज़ ब्लीडिंग वगैरह शुरू हो जाएगी अभी। बट इस इंसान ने इतना अच्छे तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया और इसने बोला कि नो इट्स ओके, आई एम फाइन, चलो हम कंटिन्यू करते हैं अभी शूट। तो एक्टर भी आगे से होता है ना कि रिस्पांस आगे से, अगर आपका को एक्टर अच्छा होगा ना आगे से तो आपका भी रिस्पांस अच्छा आएगा एंड जो बनेगा, जो मटेरियल बनेगा वो बहुत अच्छा बन के आएगा एंड डेफिनेटली आप देखेंगे ज़रूर कि वो एक्शन भी बहुत अच्छा है एंड शैंकी की वजह से एक्शन बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। इसने खुद तो स्क्रीन पर आके प्ले किया है एंड ऑफ स्क्रीन जाके भी हमको जो सिखाया है, इवन कि लोकल भद्रवाह के लड़के जितने उन्होंने जितनी हेल्प की है हमारी, लाइक वो तो कुछ भी नहीं जानते एंड एक्टिंग भी की है और उन्हें वो कुछ भी नहीं जानते थे, ऑनेस्टली वो कुछ भी नहीं जानते थे एक्शन के बारे में, बट फिर भी उन्होंने इतना अच्छा प्ले किया है। एग्जैक्टली इसने बोला था कि एक एक्शन का रिएक्शन जब तक नहीं आएगा तब तक वो एक्शन अच्छा नहीं दिखेगा, बट वो रिएक्शन आया है तो डेफिनेटली वो एक्शन भी बहुत अच्छा दिख रहा है। ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस को बोलना चाहेंगे, मतलब बताइए ऑडियंस कभी आ रही, क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से? बस यही बोलना चाहेंगे कि आप जाके 3 मार्च को हमारी मूवी रिलीज़ होने वाली है, अपने नज़दीकी सिनेमा घर में जाके ज़रूर देखें, इन्जॉय करें मूवी को और फीडबैक्स दें हमको ताकि हम और अच्छा कर सकें। ये फिल्म पायरेसी पे है, हमारी फिल्म पायरेसी में डाउनलोड मत करना, सिनेमा हॉल में देखना। या हमारी मूवी को डेफिनेटली थिएटर में आके देखिए, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए एंड या आपको ज़रूर पसंद आएगी, डेफिनेटली लगेगा। गूज़बम्स आ रहे थे जब मैं ट्रेलर देख रही थी, तो आप लेट आए, आपने मिस किया, बट बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ और फिल्म को लेकर भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने अपना कैरेक्टर बहुत प्यार से निभाया और मुझे उससे बहुत प्यार हुआ एंड एट द सेम टाइम अर्जुन का भी जो कैरेक्टर था वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम टिपिकल गुंडा मवाली। सो पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मूवी का। शाहिद इज़ अमेजिंग डायरेक्टर और जिस तरह से वो काम करते हैं, उनका काम करने का तरीका भी बहुत अलग है और बहुत ही मतलब एक तरह से एस्टॉनिशिंग है जब वो रात को अपने दिमाग में सीन्स डिसाइड करके सुबह हम लोगों को बोलते करने के लिए, तो ऐसा मैंने कभी किसी को देखा नहीं करते हुए। सो पहली बार इतने सालों में मैं किसी ऐसे डायरेक्टर को मिली हूँ जो इस तरह काम करता है, सो ये एक मेमोरेबल मोमेंट था हमारे लिए वो फिल्म करने के साथ साथ। सो बहुत मज़ा आया और मेरे साथ तो ट्रीट है टू वर्क विथ, इट्स फन। सभी पूरी कास्ट बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार थी और हम लोग बहुत मज़े करते थे शूट करते टाइम, इतने हैवी हैवी सीन्स होते थे बट वो इतने ईज के साथ हो गए कि पता ही नहीं चला। कोई रिहर्सल नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कितना अपने आप को किस तरह तैयार कर रहे, कितना चैलेंजिंग रहा आपके? ये चैलेंजिंग होता है क्योंकि एज अ डेली सोप एक्ट्रेस आपको सेट पे खड़े होके और लाइटिंग रेडी होती है और फिर आपको स्क्रिप्ट आके मिलती है कभी कभी, अभी आजकल हो रहा है पता है मंडे टू संडे हो गए सारे शूज, सो
यू नो हम लोगों को एकदम से सब कुछ अपने दिमाग में फिल इन करके, तो वो सारी ट्रेनिंग मुझे शाहिद के टाइम पे बहुत काम आई, क्योंकि ऐसे था कि हाँ अभी सीन मिला है, अभी प्रिपेयर करना है, कैरेक्टर को भी दिमाग में प्रिपेयर करना है, और एट द सेम टाइम वो परफॉर्म भी करना है जो सीन वो चाहते हैं वो करने के लिए, तो वो चैलेंज भी था और चैलेंजिंग चीज़ें करने में तो मज़ा आता है। डायरेक्टर पे आपको विश्वास था या जी? पूरा विश्वास, क्योंकि मैं जब स्क्रिप्ट आपके पास आई था, हाँ तो स्क्रिप्ट नहीं आई, आज तक स्क्रिप्ट नहीं बनी, रिएक्शन दिया, रिएक्शन क्या रहा? सो जब उन्होंने, मैंने उनके साथ एक और फिल्म की है, इश्क वाला लव, हम दोनों ने इनफैक्ट की है, और वो मेरी फेवरेट फिल्म है, मेरी हाँ, क्योंकि उसमें इश्क वाला लव है, बस इतना ही बोलूंगी। मैंने जब तारीफ की आपका तो फिर माशाल्लाह परफॉर्मर है, मैंने सिखा दिया तुम्हारा बेस्ट परफॉर्मेंस है। सो वो फिल्म जो है वो मेरे दिल के भी बहुत करीब है, और शाहिद ने वो बहुत ही अमेजिंगली इतने कम टाइम में जिस तरह शूट किया, तो मैं उनकी फ़ैन हो गई थी उनके काम की, तो मुझे उन पर पूरा ट्रस्ट था कि वो जो अब बनाने वाले हैं आई एम श्योर कुछ अच्छा ही बनाएंगे। सर आपने जो फिल्म प्रोजेक्ट भी किए, बड़े फिल्म प्रोजेक्ट किए, प्लस ओटीटी में काम किया है, जो नेगेटिव कैरेक्टर है वो हिंदी फिल्मों में खासकर कितना असरदार है आज के टाइम में अगर देखा जाए? साउथ में तो काफ़ी असरदार होता है, हिंदी फिल्मों में कितना असरदार? नहीं, असरदार है। देखिए, हर किरदार जितना बड़ा एंटेगनिस्ट होगा उतना ही बड़ा हीरो बन जाएगा। अगर हम हमेशा विलन, अगर कोई किसी फिल्म में विलन वीक है तो हीरो की हीरोइकरी कहाँ है? उसका डाउनफॉल दिखाना ज़रूरी है, उसका कहीं ना कहीं, व्हाट यू कॉल इट, टेक्निकल टर्म्स में भी है कि यू शुड लुक लाइक अब तो गया, देन ही कम्स बैक एट द एंड, तो सालियाँ सीटियाँ बजती हैं, वो तो खैर एक्टर की बात करते हैं, बट ओवरऑल भी परफॉर्मेंस वाइज भी वी हैव सीन लेटली सम गुड परफॉर्मर्स, अच्छे स्ट्रॉन्ग विलन्स दिखते हैं, और जितने अच्छे बड़े विलन्स हों उतनी अच्छी, मतलब कहानी कहीं ना कहीं हीरो भी निकल के आता है। बाहुबली की बात कर लें या बाकी किसी भी फिल्म की बात कर लें, विलन्स हैव टू बी पावरफुल, परफॉर्मेंस, लुक, बाकी सब फील, एक्शन, ऐसा तो टाइम नहीं रहा कि विलन अब मुक्का खा रहा और गिर रहा, ऐसा नहीं हो रहा आज, लाइक कहीं ना कहीं हॉलीवुड फिल्म में ये अच्छी बात है कि लाइक यू आर फाइटिंग नेक टू नेक, एंड ऑफकोर्स एट द एंड ऑफ द डे कि ये तो अब हमें है ही है कि अच्छाई की जीत, वो तो है ही है, और बट यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव स्ट्रॉन्ग विलन्स, और मैं अक्सर नेगेटिव रोल्स करता हूँ, बड़ा मज़ा आता है, जो मेरे अंदर की भड़ास होती है वो मैं निकालती हूँ। और ये उतने ही पॉजिटिव इंसान है मैं जिंदगी में, अच्छे और पॉजिटिव इंसान है, मैं कभी गाली देता नहीं हूँ, एग्जैक्टली गाली वाली मैं सारे स्क्रीन पे निकाल देता हूँ, सारा भड़ास, सारी जो खुमार जो अंदर होता है वो सब निकल जाता है, और आई एम रिलैक्स्ड। हर फिल्म के बाद मैं एक अलग एक शांति मिलती है, जैसे कि मेडिटेशन किया मैंने, विच इज़ फैक्ट, जोक्स अपार्ट। सर आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? आज ट्रेलर भी लॉन्च हुआ, काफ़ी करेक्टर में मतलब लग रहे हो आप, मतलब निगेटिव जो, तो जैसा कि पहले भी सारा ने भी बताया कि सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम लोगों के लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है ये, और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इसका, एंड आई होप ये सिनेमाज में बहुत अच्छा काम करे, एंड इट विल फॉर श्योर। सर आप काफ़ी मतलब रियल लोकेशन है, रियल लोकेशन में स्क्रिप्ट नहीं थी, कैसा एक्सपीरियंस रहा मतलब जब वहाँ पे गए? तो मैंने बताया ना कैसे कश्मीर में, कश्मीर जो शूट होता था, मतलब एक्सीडेंट्स को ये सब शेयर कीजिए। इंसिडेंट ये नहीं, पानी तो वो लैंडस्लाइड हो जाते थे रास्ते में, और यहाँ पे शूट लगा होता था, सोचो डेली सोप का शूट लगा हुआ है, शेर भी आते थे हाँ, वो भी मैंने सुना। हाँ एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ, एक इंसिडेंट ऐसा था कि हम लोग एक सीन शूट करने जाने वाले थे, तो हम लोग रेडी होके सब अपना कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम के साथ पहुँच गए, और वहाँ पे किसी ने, एक बंदे ने बताया कि वहाँ से वहाँ पे टाइगर थे दो, उसने स्पॉट किए वहाँ पे उसी एरिया में जहाँ पे हम लोग शूट करने वाले थे, तो फिर हम लोग डर भी रहे थे कि अभी तो नहीं है, बट अगर हम शूट स्टार्ट कर देंगे कोई भी कहीं से भी कुछ भी अटैक हो सकता है, रात को शूट है बिल्कुल ही, आगे पीछे पूरा जंगल ही है। सो देन फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम शूट नहीं करते, इतना रिस्क नहीं लेते, कल कर लेंगे शूट। एक बार इसमें ये होता है कि एक लाइट वाला खड़ा रहता है कि यहाँ से शेर तो नहीं आ रहा कहीं से सब देख रहे थे जाकर के। वेल दिस इज, इसमें तो अपने चैलेंजेस रहते हैं हर हर ऐसे इंडिपेंडेंट फिल्मों में ऐसे होते हैं, बट आई एम श्योर कि अगर इसे अच्छी कवरेज मिलती है, अच्छा प्लेटफॉर्म, हमने अपने हिसाब से देखा जाए तो जितने अपने से बन सकती है किया है, अब बाकी सब ऑडियंस पर डिपेंड करता है, मीडिया पर डिपेंड करता है, सोशल मीडिया का आज स्ट्रॉन्ग बज है, और कई बार क्या होता है कि कोई छोटी फिल्म भी अच्छी पसंद आती है, इसने इट्स नॉट से अगेन जैसे मैंने कहा कि लाइक आई एम पार्ट ऑफ द फिल्म इसलिए मैं ऐसे ही तारीफ कर रहा हूँ, नहीं, इट इज़ जैसे कि मैंने कहा कि इसकी मेकिंग पे एक फिल्म बन सकती है, इट इज़ वेरी वेल मेड फिल्म, बड़ी ईमानदारी से बनाई गई है, और वो चीज़ अगर ऑडियंस तक पहुँच पाई आई एम श्योर इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट सक्सेस। बट अगेन आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द मीडिया पीपल एज वेल एज द ऑडियंस के इस फिल्म को देखने के लिए आएँ। Yes, please. Exactly. Thank you.
पर डाउनलोड मत करना पायरेसी पे फिल्म है, पायरेटेड हो जाए, पायरेट मत करना. थैंक यू.